मैं मन हूँ, मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि यह ब्रह्मांड, और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ावों तक का मैं ही एक साक्षी हूँ, या यह कहूँ कि एक मेरे कारण ही यह मनुष्य अस्तित्व में है, तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य 24 घंटे मुझसे ही चलायमान है, उसके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता या उसके सारे सुख दुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूँ। मज़ा यह कि अपने अस्तित्व के इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है, और सच कहूँ तो यही उसके तमाम दुखों व उसकी तमाम असफलताओं का मूल कारण है। आज इतने वर्षों बाद मेरी करुणा ही मुझे अपने अस्तित्व, अपनी कार्य प्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर कर रही है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छेड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक में कहूँ तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और आपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में 24 घंटे लगा ही रहता है, और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चला आ रहा है। यहाँ यह भी स्वीकारना होगा कि हर बीतते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास ही हुआ है, और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। अपना जीवन संवारने हेतु उसके लगातार किए प्रयासों के परिणाम हमारी आंखों के सामने है ही। पेट भरने के लिए जंगली व फल फूल कच्चे मांस खाने वाले मनुष्यों ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट व पौष्टिक वानगियाँ ईजाद कर ली है। जंगलों में रहकर हर ऋतु का कोप भोगने वाला मनुष्यों ने आज धूप व ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वहीं पेड़ के पत्ते पहनकर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीके के रंग बिरंगी पोशाकों का निर्माण भी कर ही लिया है। यही क्यों अकेले अकेले व सिर्फ अपने लिए जीने वाले मनुष्यों ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है। आज अपने अथक प्रयासों से उसने पूरी धरती को एक कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है। आज करोड़ों मनुष्य व लाखों समाजसेवी संस्थाएं मनुष्यों के उद्धार हेतु लगी हुई हैं। हजारों लाखों अनाथालय से लेकर विकलांग गृह व अस्पताल से लेकर बाल क्रीड़ा केंद्र तक बनाए गए हैं। मनुष्य के साथ अन्याय न हो इसलिए कानून व न्यायालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म ग्रंथों की भी रचनाएं की गई है। मनुष्य की मान्यता के अनुसार तो इस धरती पर उसके उद्धार हेतु हजारों अवतारी पुरुष व भगवान भी आए हैं, और उनकी सोच सही माने तो जरूरत पड़ने पर आगे भी आते ही रहेंगे। यही क्यों मनुष्य के उद्धार हेतु हजारों विधियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्म गुरुओं ने सुझाई ही है। और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उद्धार चाहता ही है। सो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मिक व पूजा पाठ करने वाली हो गई है, और यह कम पड़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बीड़ा उठा लिया। फिर तो मनुष्य जाति के इतिहास में श्रेष्ठ बुद्धिमानों की फौज ही इसमें लग गई। उन्होंने वह क्रांति ला दी कि जहां आज से सिर्फ 200 वर्ष पूर्व तक 10 में से करीब
5 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, वहीं देखते ही देखते विज्ञान ने यह संख्या 2% के करीब पहुंचा दी है। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ ब्लड टेस्ट खोजा गया बल्कि उसकी अधिकांश बीमारियों का इलाज भी खोज लिया गया। यही नहीं, हार्ट से लेकर नी ट्रांसप्लांट तक की बड़ी सर्जरी की भी विज्ञान ने आसान व आम कर दी। एक तरीके से विज्ञान के इन प्रयासों ने पूरा का पूरा मनुष्य जीवन ही बदल कर रख दिया। हालांकि विज्ञान भी विज्ञान है, उसने न सिर्फ मनुष्य की लंबी उम्र व स्वास्थ्य तक स्फूर्ति की चिंता की बल्कि इससे आगे बढ़कर उसके आराम, वैभव व प्रगति की भी उसने बड़ी चिंता की। उसके आराम हेतु उसने अच्छे घरों के साथ साथ एयर कंडीशनर, कार तथा लिफ्ट जैसी लाखों वस्तुओं का आविष्कार किया। मनुष्य के आनंद व वैभव हेतु विज्ञान ने टीवी, डीवीडी तथा मूवीज वगैरह की खोज की। वहीं उसे प्रगति की राह पर लगाने हेतु संचार के क्षेत्र में तो उसने क्रांति ही ला दी। हवाई जहाज व रेडियो से लेकर उसने मोबाइल फोन्स तक का आविष्कार किया। एक तरीके से तो विज्ञान ने पूरी दुनिया को मनुष्य की पहुंच के भीतर ला दिया। और यह विज्ञान का ही प्रताप है कि अब बच्चों को बचपन से ही शिक्षित भी किया जाने लगा है। निश्चित ही यह भी इसी उम्मीद के साथ कि इससे वे अपना जीवन सुख, सफलता और आनंद से भर सकेंगे। मैं यानी मन मनुष्य के अपने जीवनोद्धार के लिए किए इन सारे प्रयासों की सराहना करता हूँ। मानता हूँ कि धर्म, समाज, विज्ञान व शिक्षा ने अपनी ओर से मनुष्य का जीवन सुख, शांति व आनंद से भर देने हेतु जोरदार प्रयास किए हैं। पर यहाँ विनम्रता से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या ये परिणाम सचमुच मनुष्य के जीवन में सुख, शांति व आनंद आ गए हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो आज भी मनुष्य के जीवन में क्रोध, अहंकार, दुख, असफलता, चिंता, तनाव, बोरियत, हिंसा सब का वैसा ही साम्राज्य देखता हूँ जैसा कि आदिकाल में था। और आप अपने स्वयं पर व आसपास वालों पर निष्पक्षता से गौर करेंगे तो हर दूसरे तीसरे जीवन में यही सत्य पाएंगे। और यह वाकई बड़ी दुखद बात है। लाखों वर्षों के इतने प्रयास के बाद भी यदि मनुष्य दुख और चिंताओं से इस कदर घिरा हुआ है तो फिर अब इस तथ्य से ज़्यादा दिनों तक आँख नहीं फेरी जा सकती। वैभव व प्रगति के इतने शिखर छूने के बाद भी यदि मनुष्य मर मर कर ही जी रहा है तो यह सचमुच बड़ा निंदनीय है। अब चाहे जो हो, यदि हर मनुष्य अब यदि चाहे जो हो, पर हकीकत यही है। और इस हकीकत पर गौर करने से यह सवाल उठना भी लाजमी ही है कि क्या चाहे जो करो मनुष्य जीवन में दुख ही है, तो क्या धर्म, विज्ञान व समाज मनुष्य को सुखी करने में पूरी तरह से असफल हो गए हैं? निश्चित ही यह सोचने वाली बात है कि कुदरत की सबसे अद्भुत रचना मनुष्य क्या दुख, अशांति व चिंता भोगने ही संसार में आता है? नहीं, यह तो संभव ही नहीं। सुखी, सफल व आनंदित होना मनुष्य का एक अधिकार है। कुदरती तौर पर इस अनुभव की किसी और के पास कोई सत्ता नहीं है। चलो यह भी मान लिया, फिर हम सुखी क्यों नहीं हो पाते हैं? गड़बड़ कहाँ है? शास्त्रों में या भगवान में, विज्ञान में या समाज में, या फिर हमारे होने के ढंग में? अभी बताता हूँ। दरअसल मनुष्य के भीतर उठने वाले इन सारे भावों का ताल्लुक सिर्फ मन यानी मुझसे है। और गौर से समझा जाए तो मनुष्य के पूरे जीवन की बागडोर उसके भावों के अधीन है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैं सीधे तौर पर मनुष्य जीवन की परम सत्ता हुआ कि नहीं,
हुआ ही, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आनंद व सफलता का अनुभव भी मनुष्य मेरे कारण करता है और दुख व असफलता भी उसके आनंद उसके जीवन में एक मेरे ही कारण आते हैं। इन सब का धर्म विज्ञान समाज या शिक्षा से कोई सीधा ताल्लुक नहीं बैठता। यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य में डालने वाली बात तो यह है कि मनुष्य ने चारों दिशाओं से लेकर अपने उत्थान हेतु तमाम प्रयास किए, परंतु अपने मन की कार्यप्रणाली या उसकी सत्ता को ठीक से पहचानने के कोई विशेष प्रयास उसने कभी नहीं किए। और यहाँ यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे समझे बगैर तथा मेरी शक्तियों का ठीक से उपयोग किए बगैर यह मनुष्य न तो कभी सुखी व शांत हो सकता है और न कभी सफल व आनंदित ही हो सकता है। हालांकि यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जानने समझने व समझाने के प्रयास बिल्कुल नहीं हुए, जरूर हुए, पर वे सारे आधे अधूरे और ऊपरा ऊपरी ही साबित हुए। अतः आज मेरी करुणा मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को उकसा रही है ताकि भविष्य का मनुष्य सुखी आनंदित हो सके। और अपने इस प्रयास की शुरुआत मैं आपके ही युग के एक महान वैज्ञानिक एडिसन के जीवन के एक दृष्टांत से करता हूँ। आप शायद जानते ही होंगे कि एडिसन को पृथ्वी प्रकाशमय करने हेतु एक फाइबर खोजना था जिससे बल्ब जल उठे। उन्होंने प्रयोग प्रारंभ किया और एक के बाद एक फाइबर का उपयोग करते चले गए। जो जो फाइबर नाकाम होते गए उनको वे बल्ब नहीं जल सकता की सूची में शामिल करते चले गए और अंततः 6000 से ऊपर फाइबर आजमाने के बाद उन्होंने वह कार्बन फिलामेंट खोज ही निकाला जिसने बल्ब को प्रकाशमान कर दिया। ठीक इसी तर्ज पर आप भी अपना जीवन रोशनी से भर देना चाहते हैं और इस हेतु युगों से अनेक फाइबर रूपी उपाय आप भी आजमाते ही आ रहे हैं, परंतु बात फिर भी नहीं बन रही। क्योंकि जो फाइबर आपके जीवन को जगमगाने में एक नहीं हजार बार नाकाम हो चुके हैं, आप फिर वे ही फाइबर अजमाते चले जा रहे हैं। वे ही मंदिर मस्जिद और चर्च तथा वे ही पूजा पाठ, वे ही बुद्धि पर भरोसा और वे ही शिक्षाएं, वही सामाजिक परंपराएं और वही धर्मशास्त्र, वही किस्से कहानियाँ, वही सिद्धांत और वे ही तमाम घिसे पीटे सबक। लेकिन इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब एक नहीं हजार बार अजमाने के बावजूद आप अपना जीवन खुशियों से भरने में नाकाम रहे हैं। खैर, अब वक्त आ चुका है जब आपको कुछ नया समझना व करना ही होगा। आखिर आप मनुष्य हैं, कभी न कभी तो आपको इस सिलसिले का अंत लाना ही होगा और इस सिलसिले का अंत मुझे भली भांति समझे बगैर संभव नहीं। आप यह तय जान लें कि मेरे शक्ति रूपी फिलामेंट का उपयोग किए बगैर आपका जीवन रोशन होने वाला नहीं। सो आज इस हेतु मैं स्वयं आपकी सहायता को आया हूँ ताकि अपनी संरचना और कार्यप्रणाली के बाबत आपको विस्तार से बता सकूँ। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।